हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए प्लीज एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करा जाए। शिवालिक एकेडमी के इस 25वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष परम श्रद्धा आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, शिवालिक एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय सोमदत्त त्यागी जी बगल में और इस स्कूल की प्रधानाचार्य बहन श्रीमती रजनी त्यागी जी और अतिथि के रूप में उपस्थित इस सहसपुर मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रोमला जी, हमारे जिले के महामंत्री और क्षेत्र पंचायत के सदस्य और टीपीसी मेंबर श्रीमान यशपाल नेगी जी, हमारे युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के सदस्य श्रीमान सुखदेव फरसवान जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान अरविंद सोलंकी जी, श्रीमान अनिल नोटियाल जी, सेंट्रल ऑफ टाउन के पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमान विजयपाल भरतवाल जी, और मैं देख रहा हूँ सामने अनेकों स्कूलों से आए हुए अपने मैनेजिंग डायरेक्टर प्रधानाचार्य अनुनाद स्कूल से श्रीमती सुनीता जी, अपने मेजर कादिर जी और हमारे वरिष्ठ जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय हमारे खंड संचालक पंकज किशोर गौड़ जी और उपस्थित सम्मानित बंधुओं और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं इस शिवालिक एकेडमी की 25वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का सहसपुर विधानसभा में पहुंचने पर अपनी ओर से तमाम सहसपुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी इसलिए व्यक्त करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिले। इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं, शिवालिक एकेडमी के माननीय सोम त्यागी जी को, बहन श्रीमती रजनी त्यागी जी को, कि वास्तव में आज हम इस स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और वास्तव इसलिए बधाई देता हूं कि इस स्कूल का अनुशासन और शिक्षा, अभी नन्हे नन्हे बच्चे यहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे और इच्छा थी कि समय लास्ट तक रहना है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी को भी किसी कार्यक्रम में जाना है और उनके साथ मुझको भी जाना है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ शिवालिक एकेडमी के समस्त स्टाफ को भी कि स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और अभी 2 अक्टूबर को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान के, उसमें 2 अक्टूबर को आपने पूरे इस स्कूल से लेकर और पूरे बाजार तक जो स्वच्छता पर कार्यक्रम चलाया है उसके लिए मैं भी आपको बधाई देता हूँ। और समय समय पर निश्चित रूप से अनेक बच्चों की योग्यता के अनुसार इस स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जब क्षेत्र में पूछते हैं तो वास्तव में सुनकर बड़ी खुशी होती है जब स्कूल की प्रशंसा होती है, और इसलिए मैं आपको एक बार पुनः इस 25 वर्षगांठ पर बधाई देता हूं। इसके साथ साथ क्योंकि समय कम है, अभी बच्चों कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होना है, एक बार पुनः आप सबका भी आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ एक बात को रखते हुए, प्यारे बच्चों वास्तव में जिंदगी में संघर्ष और मेहनत अति आवश्यक है, और मैं यहाँ पर अभिभावक गण भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभिभावक गणों का और टीचर्स का आपस में संवाद रहना चाहिए, क्योंकि जब आपस में दोनों का संवाद होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे की क्या कमियां हैं हम दोनों उन बच्चों की कमियों को मिलकर पूरा करेंगे
और जो बच्चे का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमने बच्चे को इस स्कूल में डाला है, वो पूर्ण होगा। ये मेरा अभिभावक गणों से भी निवेदन है कि निरंतर हमारा स्कूल में संवाद बना रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि मेहनत, इसलिए उसी में मैं एक बात कहते हुए कि पत्थर की एक बहुत बड़ी शिला थी और उस पत्थर की बहुत बड़ी शिला से एक मंदिर की मूर्ति का निर्माण हुआ और उसी पत्थर की शिला से मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पर ये सामने मंदिर है शिवालिक एकेडमी, और जब हम लोग चलकर आए तो बीच में सीढ़ियाँ हैं। सुबह सुबह भक्तजन रोज मंदिर में आते थे सीढ़ियों पर पैर रखते हुए, और जब मंदिर में मूर्ति तक पहुंचते थे तो श्रद्धा से अपना शीश झुकाते थे। एक दिन का समय था, श्रद्धालु लोग आए और चले गए तो उन सीढ़ियों ने उस मूर्ति से पूछा कि क्या कारण है, कि क्या कारण है कि हम और तुम एक ही शिला से हम दोनों का निर्माण हुआ है। लेकिन जब श्रद्धालु लोग आते हैं, उन सीढ़ियों ने कहा कि हमारे ऊपर पैर रखते हुए और जब आपके पास तक पहुंचते हैं तो श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। तो उस मूर्ति ने क्या कहा कि जिस समय तुम्हारा निर्माण हो रहा था, यानी कि सीढ़ियों का, तो तुमने कम चोटें उस छीनी और हथौड़ी की सही हैं, और जिस समय मेरा निर्माण हो रहा था, उस मूर्ति ने कहा, तो असंख्य चोटें, असंख्य पीड़ाएं मैंने उस छीनी और हथौड़ी की सही हैं। तो यानी कि हम लोग आज जितना परिश्रम कर लेंगे, वो आने वाले समय में इस समाज के लिए भी, इस देश के लिए भी और प्यारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार पुनः माननीय अध्यक्ष जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। भारत माता की, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। भारत माता की, देर से आ रही आवाज, जरा जोर से, भारत माता की। इस बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई अनेकों बार, जिनका मेरे को बहुत सहयोग मिला, सौभाग्य से इस क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान विधायक परम आदरणीय सहदेव सिंह कुंडीर जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान सोमदत्त त्यागी जी, प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी त्यागी जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रमोला जी, जिला महामंत्री आदरणीय यशपाल नेगी जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय सुखदेव सिंह फरसवान जी, हम सभी के आदरणीय खंड संचालक माननीय पंकज किशोर गौर जी, विजय पाल सिंह जी, अरविंद सोलंकी जी, सुरवीर सिंह चौहान जी, अनिल नौटियाल जी, अशोक बसी जी, शिवालिक एकेडमी के आदरणीय शिवम त्यागी जी, आदरणीय बंसल जी, श्रीमान कादरी साहब, सुनील जी, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही सुलेखा कोठारी जी, और यहाँ उपस्थित तमाम क्षेत्रवासियों, अनेकों मेरे अभिभावकगण, आज इस विद्यालय की सिल्वर जुबली है, मैं इसके लिए विद्यालय परिवार और आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज से लगभग 25 साल पहले जब एक छोटे से बीज के रूप में इस विद्यालय के आदरणीय त्यागी साहब ने जब इसका पौधारोपण किया होगा, बीजारोपण किया होगा, शुरुआत की होगी, तो एक मन में कल्पना रही होगी कि इस क्षेत्र में कैसे शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे आदरणीय त्यागी जी, खुद में अध्यापक थे, उनके भाई अध्यापक थे, मन में भाव था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आज तो ये बहुत
वृद्ध क्षेत्र है। कभी जब यहाँ विद्यालय खुला होगा बहुत उस स्थिति में रहा होगा कि लोग सोचते होंगे विद्यालय चलेगा नहीं चलेगा। 25 साल की इस जीवन यात्रा के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव देखने के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो बीज आदरणीय त्यागी साहब ने रोपा था और आदरणीय श्रीमान सोमदत्त त्यागी ने जिसको आगे चलाने में आपकी पत्नी के साथ रजनी त्यागी के साथ इसे बढ़ाने में अपनी अहम और संघर्ष को आगे लगाकर मेहनत के साथ इसे आगे बढ़ाया। मैं कह सकता हूं कि आज हजारों बच्चों की मौजूदगी में ये बट वृक्ष बन चुका है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं, मेरे तो बहुत ऐसे अजीज लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण की होगी। मैं खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, काट पट्टी भी घर से लेके जाते थे, सोचते थे कि पढ़ाई करेंगे स्कूल में जाएंगे क्या सुविधाएं होंगी, लेकिन आज सुविधाओं से सुसज्जित इस विद्यालय में जैसा मुझे जानकारी दी गई, मुझे जानकारी है भी, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम, जिस प्रकार की पढ़ाई और उसके साथ साथ अनेकों सुविधाएं यहाँ आपके द्वारा दी जा रही है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। चूंकि आज कंपटीशन का जमाना है, देहरादून और पूरे जनपद को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। अभी मैं जब उधर से चल रहा था तो दून स्कूल के सामने से मुझे आने का मौका मिला, शायद आज वहां भी कोई फाउंडर्स डे या किसी प्रकार का कार्यक्रम होगा, बहुत सारी गाड़ियां वहां खड़ी थी, देश में विदेशों के लोग वहां पर, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। आज देश के किसी कोने में चले जाएं, देहरादून और देहरादून के आसपास के, जैसे मैं इस विद्यालय का नाम भी उसमें ले सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर एजुकेशन में देहरादून का सबसे ऊंचा नाम है। इसके लिए मैं यहां के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसका एक कारण यह भी है कि जहां यहां क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, वहां पढ़ाई के साथ साथ मेहनत बहुत ज्यादा यहां कराई जाती है। भाई बहनों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम सब इसी जनपद के रहने वाले लोग हैं, हम उत्तराखंड के देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, वीरों की भूमि के उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। यहाँ वीरों के रूप में भी हमारा नाम लिया जाता है, देवभूमि के रूप में भी हमारा नाम लिया जाता है, एजुकेशन के नाम पे भी हमारा नाम लिया जाता है। इसलिए आप हम सबकी जिम्मेवारी बनती है किस तरह से हम अपने इस उत्तराखंड को और आगे हम बढ़ाएं। एजुकेशन में मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से आज 25 साल इस विद्यालय को हुए हैं, मेरा ये मानना है कभी एक दिन वो मौका आना चाहिए, वो आवाज़ हमारे सामने आनी चाहिए, वो बात हमारे सामने आनी चाहिए कि एक दिन मैं ये सुनाई हमें दे कि हमारे इस शिवालिक एकेडमी का बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो IAS निकला है, IPS निकला है, MBBS निकला है, इंजीनियर निकला है। ऐसी मैं प्रार्थना भगवान से करना चाहता हूँ। ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आदरणीय हमारे सहदेव सिंह पुन्नी ने बहुत अच्छे शब्दों में इसका बखान किया, क्योंकि मैं कह सकता हूँ मेहनत का कोई पर्याय नहीं हो सकता, मेहनत का कोई पर्याय नहीं हो सकता। मेहनत जो आदमी करता है आज नहीं तो दो दिन बाद उसको उसका लाभ मिलता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम लोग, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है जिसके कारण आज हम इस स्थिति में यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था जिस प्रकार से बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए, मैं उन बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ और चाहूँगा जोरदार तालियाँ उन प्यारे बच्चों के लिए बजनी चाहिए। उनमें से आप ही के बच्चे होंगे, हम सब के यहाँ बच्चे होंगे, छोटे छोटे नौनिहाल किसी प्रकार का उन्होंने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं ऐसे ही कहने लगा, त्यागी जी मेरे बगल में बैठे थे, मैं पूछने लगा ये बच्चे कहाँ के हैं, उन्होंने कहा साहब ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं। तो इसलिए और जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को प्रोत्साहन आपकी तालियां ही देंगी, उनका आशीर्वाद आपकी तालियां ही देंगी, क्योंकि हम सभी के बच्चे हैं, आने वाले यही बच्चे हमारा भविष्य होंगे। मैं तमाम बातों के साथ, क्योंकि अगले कार्यक्रम में जाना है, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा और उसके बाद अनेकों कार्यक्रमों में हमें जाना है। चूँकि आप समझ सकते हैं राजनीतिक
क्षेत्र में जाने के बाद अनेकों कार्यक्रम में जाना हमें रहता है, इसलिए उन तमाम बच्चों को जो यहाँ प्रस्तुत करने वाले अपने कार्यक्रम, उनको अपनी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ दो लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तमन्ना आपकी यूं पूरी हो जाए, तमन्ना आपकी यूं पूरी हो जाए, सपनों की दुनिया हकीकत बन जाए, तमन्ना आपकी यूं पूरी हो जाए, सपनों की दुनिया हकीकत बन जाए, हो मुकद्दर आपका इतना रोशन, हो मुकद्दर आपका इतना रोशन कि हाथ खुलने से पहले आपकी हर दुआ कबूल हो जाए, आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम बच्चों को आशीर्वाद, मेरे अभिभावक गणों को बहुत 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 बधाई और इस परिवार को बहुत बधाई के साथ, क्योंकि आज 14 तारीख है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा महीना है जब लगातार त्योहारों की श्रृंखला इस महीने के अंदर आती है। 14 के बाद जब हम दो दिन बाद आगे बढ़ेंगे तो धनतेरस से लेके और भैया दूज तक पूरे देश के अंदर, पूरे देश में हमारा एक ऐसा ये त्यौहार है जो लगातार 5 दिन चलता है। धनतेरस से लेके और भैया दूज तक की तमाम त्योहारों की आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Thank you so much, sir, for your motivational words. Now I request our respected chairman, sir, to please present him the token of appreciation. I would request the audience to please give them a huge round of applause. There should be no confusion in the talis, yaar. Come on.